आजकल भी कमाल हो रहा है, अनमैरिड लड़कियां बैठी हैं और नानियां दादियां शादी करवा रही हैं। औरतें बच्चों की शादियां करा देती हैं, नवासे नवासियां हो जाते हैं, इसके बाद ये सब कुछ करें बहुत अजीब लगता है। अल्लाह अल्लाह करें और बस। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? वैसे यहाँ रहकर अमेरिकन और अंग्रेज औरतों की नकल नहीं करनी चाहिए। सा लग रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम खुद ही सोचो कैसा महसूस करेगी वो। देखो, इस सिचुएशन को तुम ही खुद संभालनी होगी, अपने आप को मजबूत करो। मंसूर भाई क्या कहते हैं? मंसूर तो बहुत एक्साइटेड है, खुशी से पागल हुआ जा रहा है, वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अम्मी, एक तो सारा दिन आप जो बिजी रहती है ना और अपने खाने का एहतियात नहीं करती, ये बहुत बुरा है। चलें दूध पिए। आपको पता है पाबंदी से औरतों को 40 साल की उम्र के बाद दूध पीना पड़ता है। चलें पिए, वरना हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और सुकड़ भी जाती हैं। बेटा, मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा भाई, ना बात, जब मैं बचपन में कहती थी कि मैं दूध नहीं पीऊंगी तो कैसे कैसे लेक्चर होते थे, है ना रानी आम जी? भाई, अब तो तुम्हें विदा की हर बात सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलें पिए। अच्छा बेटा, थैंक यू। विदा बेटा, आ मेरे साथ चलो, कुछ बात सुना। क्या हुआ रानी? आओ मेरी बात सुनो।
अब तुम एक समझदार लड़की बन गई, जिम्मेदार माँ और समझदार बीवी। तो मुझसे कौन सी नासमझी की हरकत हो गई? अरे बे, नासमझी तो नहीं हुई, मगर अपनी माँ को ना समझी ना तो ना समझी हो भी सकती है। देखो बे, इस दुनिया में जो भी कुछ होता है अल्लाह के सिवाय इसमें किसी और का कोई दखल नहीं। जी हाँ, ये बात तो हर बच्चा जानता है। और हमारी जिंदगी में हर तब्दीली, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अल्लाह की मोहताज है। क्या बात है रानी आंटी, आप कोई दर्स देकर आई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। हाँ बे, इंसान की परेशानी का हल तो अल्लाह की तरफ देखने से मिल जाता है। हम समझते हम वही करते हैं जो हम प्लान करते हैं, बड़े अकलमंद हैं, हमारी प्लानिंग वैनिंग से कुछ भी नहीं होता है, हम वही करते जो अल्लाह चाहता है। रानी आंटी, आप कुछ ज्यादा ही संजीदा नहीं हो रही? देखो बे, जो ऊपर से गैर संजीदा नजर आता है ना, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी गैर संजीदा हो। मैं तो अपने आप में इतनी तन्हा और संजीदा हूँ कि यहाँ आकर मैं गैर संजीदा और बेवकूफ बन जाती हूँ। बस हमारे आपस में वक्त अच्छा गुजर जाता है। रानी आंटी, सब कुछ ठीक तो है ना? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक, बस तुम्हारी माँ। क्या हुआ अम्मी को? भाई उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अल्लाह मियाँ उनके घर में एक छोटा सा मेहमान भेज रहा है, बस वो तुमको ही फेस नहीं कर सकती है, तुम ही उसे रिलैक्स कर सकती हो, तुम्हें करना भी चाहिए। आप ये सब कुछ सोच समझ कर कह रही हैं? प्लीज, अगर ये मजाक है तो बंद करें इसे, ये बहुत बेहुदा मजाक है। अम्मी, ये क्या सुन रही हूं मैं? क्या हो गया आपको? गॉड, आई कांट बिलीव दिस, गॉड सेक, आप इतनी सेल्फ सेंटर्ड कब से हो गई अम्मी? क्या हो गया आपको? आई एम रियली शॉक्ड। विदा बेटे, मेरी बात सुनो, मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, प्लीज। अम्मी, आपको तो अपना अकेलापन दूर करना था, ये तन्हाई एक मजमे में बदल जाएगी, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। बेटा प्लीज ऐसे मत कहो, देखो ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, मंसूर का भी तो मसला है, और मंसूर को पहली बार अपनी जात की तकमील महसूस हुई है, वो तरसा हुआ है औलाद की खुशी के लिए। और आपकी औलाद की खुशी, क्या आप ये भूल गई कि आपकी जिंदगी के साथ एक और जिंदगी भी जुड़ी हुई है? अम्मी, और शहूद, उसको मैं कैसे समझाऊंगी ये बात? आप जानती है वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। अम्मी, आपने मुझे बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया है। सुनने का पता ना ही नहीं यार, भद हो चुकी है। तुम्हारी अम्मी ने कुछ ज्यादा इमैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया? अब शहूद क्या कर सकते हैं, तो अल्लाह की तरफ से होता है, कोई प्रेडिक्ट। अच्छा बस बस, अब मुझे कायल करना शुरू मत कर देना, बहुत बहस करती हो ना तुम अपनी माँ की तरह, बहुत लॉजिक्स हैं तुम्हारे पास शहूद। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी अपनी जिंदगी है, हमारी अपनी, आपको उनसे क्या मतलब? अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं आप। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये इस तरह जुड़े हुए होते हैं, तुमसे मैं, मुझसे मेरी बेटी और उससे उसकी नानी, इनको इतने आराम से जुदा नहीं किया जा सकता। और मैं उनकी जिल्लतों में उनका साथ देने के लिए नहीं बैठा हूं। तो मैं क्या करूं भाई, मेरा क्या कसूर है? आप हमेशा मुझे क्यों ताने देते हैं? बस मुझे तो अपनी फैमिली को इस खुराफात से अलग रखना है, मैं दुनिया में सर उठाकर चलना चाहता हूं। ये नहीं कि मेरे मिलने वाले मुझे मुबारकबाद दे रहे हो कि मुबारक हो आपके सास के यहां मुन्ना हुआ है। बस आज के बाद हम में से कोई उनसे ताल्लुक नहीं रखेगा। ये कैसे हो सकता है, मैं उनकी वाहिद बेटी हूं। फिक्र ना कीजिए, इसका भी उन्होंने इंतजाम कर लिया है, खैर से उनकी अब अपनी फैमिली है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। देखिए, मां ने उनसे बहुत अटैच्ड है और खुद अम्मी इस वक्त शदीद टेंशन में है। सब ठीक हो जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन अगर आप इसी तरह उनसे मिलती रहीं, तो हमारे रिश्ते में जरूर फर्क पड़ सकता है, और ये मेरी वार्निंग है आपको। हेलो जी अंकल, आदाब। बात तो करो मुझसे। जी मैं ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं? दो दिन से तुम घर नहीं आई हो बेटा, इतनी फिक्र है तुम्हें अपनी अम्मी की? नहीं वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैं ओहो बेटा, अपनी तबीयत से कहिए कि इस वक्त उसके पास टाइम नहीं है खराब होने का। आपकी अम्मी को आपकी जरूरत है बेटा। अंकल अब उन्हें किस चीज की जरूरत है? विदा बेटा, बात क्या है? मैं तो समझा था कि आप अपनी अम्मी और मेरी खुशी में शामिल होंगी। मुझ पर तो खुदा भी मेहरबान हो गया बेटा, तो फिर अपनी बेटी नाराज क्यों है? हा? बेटा मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इन सारी परेशानियों का सबब मैं हूँ। नहीं अंकल, मसला ये नहीं है। तो फिर मसला क्या है बेटा? अच्छा देखो, ये हमारी फैमिली का ही मसला है ना, तो हमें ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अंकल आप समझ नहीं रहे, हमारे सर्कल में, शहूद के अपने सर्कल में कितना ऑकवर्ड फील कर रहे हैं हम, और शहूद तो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओहो बेटा, जी शहूद का जहां तक ताल्लुक है मुझे पता है कि वो एक जज्बाती नौजवान है, लेकिन उस उम्र में तो बेटा हर आदमी जज्बाती होता ही है, समझने से सब समझ जाएगा। और फिर तुमसे ज्यादा बेहतर कौन समझा सकता है उसे बेटा? ये बहुत बुरी बात है कि दूसरों को इतना परेशान कर दिया जाए कि वो हंसना बोलना तक भूल जाए बेटा, और फिर हम तो हमेशा आपको खुश जाते। इधर तो फोन, मैंने तुम्हें कितने दफा कहा है कि मंसूर अहमद और नासरा मंसूर से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती ये बात? ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए, रखो इसको। नासरा ऐसे मत करो, तुम पहले ही बहुत कमजोर हो। खुदा का शुक्र करो उसने तुम पे बहुत मेहरबानी आई। देखो कितना पाला आपका बेटा, लो इसको लो। तुमने विदा से खुद बात की थी? हाँ भाई, मैंने भी की और मंसूर भी की, मगर वो बेचारी बहुत मजबूर है।
कितनी मुश्किल में है मेरी बच्ची इस वक्त। ओहो नासरा, सब ठीक हो जाएगा, तुम इतनी फिक्र ना करो। देखो ये सब बत्ती बातें हैं, देखो बच्चे तो जिद्दी होते ही हैं, बड़ों को तो समझदारी और सब्र से काम लेना पड़ता है। और तुम देख लेना, एक दिन आएगा जब ये बड़ा होके अपनी आपा को चोटी से खींच के ले आएगा। अच्छा बात सुनो ना, बात तो सुनो, ये बताओ इसका नाम क्या रखें? ये सारी जिंदगी नासरा बेबी ही कहलाएगा। खुद ही रख लो तुम कोई नाम। वो भाई मैंने तो सारे लड़कियों के नाम सोचे हुए थे, ये निकला है साहबजादे। इसका तो मैंने बहुत ही प्यारा नाम सोचा है, गुलफाम। हाँ रानी, तुम्हारे जहन में तो ऐसे ही नाम आएंगे, मगर खबरदार ये तुम्हारा शहजादा गुलफाम नहीं है। भाई मैं तो ये सोच रही थी जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो मैं इसी से शादी करूंगी, घर की लड़की और हमसायों का लड़का। देखो ये रोने लग जाएगा, खुदा का वास्ता। एक एक नाम बोल। हाँ अच्छा रहने दो, बस तुम अपनी मर्जी से। अच्छा देखो ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सारी खुशियों का पैगाम लेकर आया है, क्यों ना इसका नाम नवीद रख दें। नवीद कैसा नाम? नवीद, नवीदा का भाई नवीद। अच्छा नाम है। नवीद को मैं मीठा चटाऊंगी। सुना है जो बच्चे की मुंह में पहली बार गुड़ती डालेगा ना, वो बच्चा सबसे ज्यादा उसी को चाहता है। रानी जरा शाम तक देख ले, शायद नविता आ जाए। जानते हो ना कि उम्र और रिश्ते में मैं तुमसे बड़ा हूं। जी मुझे मालूम। शुक्र है तुम्हें याद है यार, वरना जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना यार, ये सारी बातें शायद बेमानी हो गई। सुन रहे हो तुम? जी हाँ मैं सुन रहा हूँ। यार शहूद बेटे, तुम्हारे रवैये ने ना हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। देखिए मैं किसी की ज़ाती जिंदगी से जब कोई ताल्लुक ही रखना नहीं चाहता तो मेरे रवैये का क्या दखल? यही तो तुम्हारी गलतफहमी है यार, तुम ये समझते हो कि रिश्ते धागों की तरह हैं, तुम तोड़ना चाहोगे टूट जाएंगे, ऐसा नहीं है यार। यार तुम एक पढ़े लिखे जवान हो, मैं तुमसे ये बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करता था। फिर क्या उम्मीद थी आपको? सवाल मेरी उम्मीदी या नाउम्मीदी का नहीं, तुम हो या मैं, यार हमें किसी का दिल दुखाने का हक नहीं है, खासतौर पर अपने प्यार के रिश्तों में। क्या हुआ अगर मैं नासरा से शादी कर लिया? क्या हो गया अगर हमने अपनी बेरंग जिंदगी में कुछ रंग भरने की कोशिश की? 20 साल बाद मैं अमेरिका से आया ना, तो मैंने सोचा था यहाँ सब कुछ है, हाई राइजेस, पिज्जा, व्हाटएवर है, तो मैंने सोचा शायद यहाँ का कुछ सेटअप ही बदला हो, लेकिन हम अपनी झूठी अनाओं को नहीं तोड़ सके। देखें ये अमेरिका नहीं, ये पाकिस्तान है। मुझे पता है ये पाकिस्तान है, तो क्या पाकिस्तान में अपनी खुशी से फैसला करने का हक नहीं है हमें? देखिए जी हम एक माशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं और उस माशरे के असूलों के मुताबिक हमें 22 जिंदगी भी गुजारनी है। अच्छा तो तुम बताओ तुम्हारे नजदीक 22 क्या है? क्या एक औरत शादीशुदा होने के बाद 22 नहीं हो जाती, ज्यादा सिक्योर नहीं होती? यार अमेरिका में तो 50 की औरतें शादी करती हैं, वहां तो कोई एतराज नहीं करता यार। देखिए जी मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, आप अपना और मेरा टाइम जाया ना करें, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को और अपनी बीवी को इस सारे मामले से अलग रखना चाहता हूँ। आपका मसला यह है कि आप 20 साल अमेरिका में रह गए हैं और आप ये भूल गए हैं कि यहाँ के माशरे में किस किस्म के मसाइल होते हैं। आपको उन मसाइल को और इस माशरे को समझने में अभी मजीद 20 साल लगेंगे। मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। बड़ा ही वजन है।
अच्छा बताएं, आपने पोयम इतनी अच्छी याद की है ना? क्या बनावा नहीं लगा रखे, कौन सी बनावा? रात को डरना है? मेरे पास नहीं आइएगा रात को, क्या वो मुझे डर लग रहा है, वो मुझे डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं सुना, मैं आपको पोदना पोदने की सुनाऊं? पल्लवी वाली सुनेंगे आप? बचपन में क्या करते थे हम? आदम बू वाली गाने सुनते थे और फिर हमको रात भर डर लगता था। आपको भी सुना आदम बू वाली? मेरी पिटाई करेंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा। बस इतनी मोहब्बत करते हैं आप अपने? बेटा, हाउ आर यू बेटा? देखो ये कौन है? चलो जैसे प्लीज चलो जैसे।